अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत है, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। मैं हूं अनीस गौरी और आप देख रहे हैं गौरी ब्लॉग 1-2-3। तो आज हम लोग जाएंगे फिशिंग पे और आपको सब दिखाते हैं। तो अभी मैं आया हूँ फिलहाल जूस पीने के लिए, तो मैंने कहा आप लोगों को भी लेके चलूँ साथ। तो आप जूस पीने के लिए आए हैं इस भाई के पास और भाई ने हमें बेहतरीन सा ग्लास बना के दिया है जूस का। तो जूस पीते हैं, जूस पीने के बाद फिर आपको लेके चलते हैं डायरेक्ट फिशिंग पर। तो हम निकल चुके हैं अब फिश हंटिंग पे। मेरे साथ हैं इरशाद भाई, इरशाद भाई और मैं आज जा रहे हैं फिश हंटिंग पे। तो आगे हम आपको दिखाते हैं। तो नाजरीन, ये हमारे सक्कर का लेस डाउन ब्रिज हैगा और साथ ही ये डस रिवर चल रहा है। पेट्रोल डलवाने के लिए रुके, पेट्रोल डलवा के फिर हम निकलते हैं आगे। फिर आपको हम आगे दिखाते हैं क्या सीन है। सारे पेट्रोल हमने डलवा लिया है और हम जा रहे हैं सीधा अपने रूट पर। आपको दिखाते हैं फिर वहाँ पहुँच कर। नाजरीन, हम लोग आ गए हैं अपने पॉइंट पर। वो सामने जो जगह है हम लोग वहाँ जाएंगे। आप जैसे कि देख रहे हैं वो काफ़ी दूर है, तो हमें यहाँ नीचे उतरना पड़ेगा यहाँ से। ये मैं आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ। वो डेंजर इलाका है क्योंकि आबादी से हटकर है। तो आपको आज इसके भी मज़े कराते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा उम्मीद है। अबे बहुत ज़्यादा खामोशी होती है, कोई नहीं होता। ये देख रहे हैं पानी का लेवल कितना नीचे आ गया है। मैं जब लास्ट वीकेंड आया था खेलने के लिए तो मेरा वहाँ पे जो कुछ सामान गिर गया था। तो आज जो मेन मकसद आने का ये भी था कि मैं देख लूँ अपना सामान अगर मुझे मिल जाए। अनफॉर्चुनेट अभी तक पानी इतना लेवल का उतरा नहीं है, तो पानी उतरता है फिर देखते हैं, फिर आपको बताते हैं इंशाल्लाह ताला कि क्या सीन है। क्योंकि यहाँ पे है बड़ी खामोशी और आपको एक एक चीज़ की आवाज़ आएगी यहाँ। तो लेट्स सी, एंजॉय करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो नाजरीन, मेरे पास ये एक फिशिंग रॉड आएगी, जिस फिशिंग से रॉड से हम खेलते हैं। और पानी की सिचुएशन बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा कूल एंड काम है, तो मछली लगने के चांसेस हैंगे। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इरशाद भाई और साथ में कुछ और लोग भी यहाँ पे फ़िशिंग कर रहे हैं जो हमसे पहले बैठे हुए थे। तो अब मैं इसको बनाता हूँ, जैसे इरशाद भाई अपनी बना रहे हैं इस तरीके से मैं भी अपनी बनाता हूँ, रेडी करता हूँ, तो फिर आपको दिखाता हूँ। आई होप आप लोगों को दिख रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं आज।
दूसरी जगह आए तो आप देखें यहाँ पे क्या होगा। बड़ा टेम्परामेंट का काम है यार, टेम्परामेंट है तो आप फिशिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ऐसा सच कोई मछली यहाँ पे अभी तक लगी नहीं है, पूरी कोशिश जारी है, तो लग जाए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। खामोशी देख रहे हैं आप कितनी है यहाँ पे, पुरसकून माहौल है, आप देखें। नाज़रीन आप देख रहे हैं इस वक्त फिशिंग कोई ख़ास अभी तक लगी नहीं है, तो अभी मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, जैसी कोई मछली लगती है कोई अपडेट होती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो नाज़रीन अभी तक ये मछली लगी है नमरा, जस्ट अभी लगा है, मेरे हाथ में कांटा भी लग गया है इसका, भाग रहा था, अभी बिल्कुल न्यू है, देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पहली मछली देख रहे हैं, बिल्कुल 0 मीटर अभी निकाली है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे देखते हैं और क्या लगता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और इसी के साथ आज हम ख़त्म करते हैं अपना ब्लॉग को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।